पूरी हुई नीता अंबानी की इच्छा, मई में शामिल हो सकता है वो शख्स जिसका था बेसब्री से इंतजार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का दौर चल रहा है, इतना ही नहीं इस बार लोगों के अंदर आईपीएल को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ महीनों के बाद आईपीएल सीजन 2020 का आगाज होगा। बताया जा रहा है कि पिछले सीजन में चैंपियन रह चुके मुंबई की बल्लेबाजी की ताकत डेविन लुइस, रोहित शर्मा और केरन पोलार्ड हैं। टीम की जीत के लिए इन तीनों का परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। वहीं हार्दिक पांड्या और एक भाई कृणाल पांड्या भी बल्ले से तूफानी अंदाज में प्रदर्शन कर सकते हैं। बताते चलें कि क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस समय मुंबई इंडियंस के मेंटोर हैं। खास बात तो ये है कि सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस की मदद करते हुए दिखाई दिए हैं। अर्जुन अपने पिता के सपने पूरे करने के क्रिकेट को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सचिन का सपना है कि उनका बेटा भी उनकी तरह विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर बने। अर्जुन को कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड में अंग्रेज बल्लेबाजों को नेट पर गेंदबाजी करते हुए देखा गया था। तब वो मुंबई घरेलू सर्कल में सभी ने यही अनुमान लगाया कि अर्जुन मैच खेलने के लिए इंग्लैंड गए हैं। वैसे अर्जुन इस लीग के खेलने के लिए बहुत ही उतावले थे, लेकिन वह इंग्लैंड में किसी खास मकसद के साथ गए थे और अभी भी इस मकसद को अंजाम देना बाकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शायद अर्जुन तेंदुलकर को 2020 आईपीएल में शामिल किया जा सकता है और वे मुंबई इंडियंस के लिए ही खेल सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल में भी कई सारे टीम के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आईपीएल को भारत में काफी पसंद किया जाता है और नए खिलाड़ी को टीम में प्रवेश करने के लिए यह अच्छा मौका होता है। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल को बीसीसीआई द्वारा ही संचालित किया जाता है। इस बार आईपीएल का नया सीजन जल्दी शुरू होगा और अर्जुन भी वहां दिखाई दे सकते हैं। अर्जुन को देख नीता अंबानी बेहद खुश हैं, क्योंकि वो चाहती है जल्द से जल्द अर्जुन उनकी टीम में शामिल हो जाए।